गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ज़रफ़शान ज़ैदी SPSC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। वेस्टर्न फिलॉसफी की ये सीरीज़ चल रही है जिसमें आज हम अरस्तु पर बात करेंगे। अरस्तु भी प्लेटो और सॉक्रेटीज़ के तरह ही एक ग्रीक फिलॉसफर थे और ये प्लेटो के शिष्य थे और सिकंदर महान के टीचर रहे थे। इनका जन्म नॉर्थ ग्रीस में एक उपनिवेश था यूनान का, स्टैगरिस, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इनके जो पिता थे वो मकदूनिया के राजा के फिजिशियन थे, राजवैद्य थे, इसलिए मैसेडोनिया से इनका बहुत ताल्लुक रहा है और इनकी ज़िंदगी पर इस राज्य का बहुत असर रहा है। जब ये छोटी ही उम्र में इनके पिता की डेथ हुई थी और पिता की मृत्यु के बाद तकरीबन जब ये 13-14 साल के थे तो इनको पढ़ने के लिए एथेंस भेज दिया गया, जहाँ प्लेटो की एकेडमी में इनका एडमिशन हुआ। और 13 साल से लेकर 37 साल की उम्र तक, जब तक प्लेटो रहे तब तक अरस्तु इसी स्कूल में पढ़ते रहे, इसलिए प्लेटो पर इनका बहुत, अरस्तु की ज़िंदगी पर, अरस्तु के थॉट्स पे प्लेटो का बहुत प्रभाव रहा है। हालांकि आगे चलकर प्लेटो के थ्योरी ऑफ आइडियाज़ को अरस्तु ने क्रिटिसाइज़ किया और जो थ्योरी ऑफ आइडियाज़ का मेन क्रिटिसिज्म मिलता है वो है ही अरस्तु का। और कुछ जो स्कॉलर्स हैं, कुछ जो राइटिंग्स हमें मिलती हैं उसके अंदर ये भी है कि आगे चलकर अरस्तु की वजह से प्लेटो को कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, अरस्तु उनके ख़िलाफ़ हो गए, उनकी आलोचना करने लगे, लेकिन ये सारी चीज़ें ऑथेंटिक नहीं हैं। अरस्तु जैसा जो कि महान थिंकर थे और एक सैद्धांतिक मतभेद अपने गुरु से होना ऐसे थिंकर के लिए स्वाभाविक भी है। अरस्तु के लिए कहा जाता है कि उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, किताबों का मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे उन्होंने काम किया है, जिसमें फिज़िक्स, बायोलॉजी, जूलॉजी, मेटाफिज़िक्स, एथिक्स, लॉजिक, एस्थेटिक्स, म्यूज़िक, थिएटर, पोइट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, और नॉलेज के इतने क्षेत्रों में बहुत फाउंडेशनल वर्क अरस्तु का मिलता है। वो फादर ऑफ जूलॉजी कहलाते हैं, फादर ऑफ लॉजिक कहलाते हैं, और आज भी लॉजिक और जूलॉजी के फाउंडर के रूप में अरस्तु भी पहचाने जाते हैं। उन्होंने, उनका चिंतन प्लेटो से प्रभावित रहा बहुत सारे रूपों में, और कभी उन्होंने प्लेटो की आलोचना की और कभी प्लेटो की मूल सिद्धांतों को लेते हुए आगे बढ़े। लेकिन प्लेटो और प्लेटो के अलावा जितनी भी एंशिएंट फिलॉसफर्स थे, अरस्तु ने उन सभी फिलॉसफर्स के सिद्धांतों को पढ़ा, समझा, उनको इंटरप्रेट किया और उनको लेते हुए उनका सिंथेसिस किया, उनका एनालिसिस किया और उनको लेते हुए अपना दर्शन दिया। जब प्लेटो की मृत्यु हो गई तो
फिर अरस्तु एथेंस से निकल गए थे और किसी दूसरे राज्य में गए, 2-3 साल वहाँ रहे। फिर जो सिकंदर महान के पिता थे राजा फिलिप, उन्होंने अरस्तु को बुला लिया और अरस्तु फिर सिकंदर को ट्यूशन देने लगे, उनके टीचर हुए। और जब सिकंदर विश्व को जीतने के लिए निकल पड़े तो अरस्तु वापस एथेंस में आ गए और एथेंस में आकर उन्होंने अपने एक स्कूल की स्थापना की जिसे लाइसियम कहा जाता है। और अपने बाकी के जितने भी वर्ष अरस्तु रहे, अरस्तु ने उसी स्कूल का मैनेजमेंट संभाला और वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया। और उनकी जो मेन राइटिंग्स हैं वो भी इस काल में सामने आई। तो ये मोटा मोटा अरस्तु का परिचय था। अब हम आगे अरस्तु के मेटाफिजिक्स के ऊपर और उनके एथिकल व्यू के ऊपर, उनके लॉजिक के ऊपर आगे की वीडियोस में हम बात करेंगे। थैंक यू।